अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज भाई दिल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज है थर्सडे, अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और हमें पहुंचना है 2 बजे तक कच्ची मेमन ग्राउंड, क्योंकि भाई हमें एक स्कूल या बोले इंस्टीट्यूट की तरफ से इनविटेशन है। उनकी कोई लीग है या उनका कोई इवेंट है जिसका नाम है माइलस्टोन क्रिकेट लीग सीजन 2। ये दूसरा सीजन है, इससे पहले भी इन्होंने ये खेली गई थी और वो खेली गई थी 9 दिसंबर 2022 को, और आज दूसरा सीजन खेला जा रहा है 9 नवंबर 2023 को, और उन्होंने हमें इनवाइट किया है। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ पे मुतब्बिर को लेके, फहाद को लेके और सऊद को लेके। सऊद को लेके जाना इसलिए बनता है क्योंकि वो फोटोग्राफी भी कर लेता है और कुछ ग्लिम्स जो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते अपने व्लॉगिंग कैमरा से, तो वो सऊद रिकॉर्ड कर लेता है। और मुतब्बिर और फहाद जैसे कि आपको पता है हमारे बेस्टी है, तो वो ज़रूर जाएंगे, जहाँ हम जाएंगे वो ज़रूर जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। तो अभी चलते हैं, बस ये लोग आ रहे हैं, हम लोग फिर एक साथ चलते हैं यहाँ पे, और हमें जाना है कच्ची मेमन ग्राउंड। और यहाँ से अगर कच्ची मेमन ग्राउंड की बात करें तो आई थिंक 30 मिनट का रास्ता है, और आप अगर आप तेज़ चलाते हैं, गाड़ी हो आपके पास, बाइक हो, तो आप 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। लेकिन रास्ता दूर है तो हमें थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेनी है। उन लोगों का इंतज़ार हो रहा है, वो जैसे ही आते हैं हम लोग बाइक पर बैठते हैं और चलते हैं उस इवेंट में जहाँ हमें इनवाइट किया गया है। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने 1 बजे व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था और मैंने मुतब्बिर, फहाद और सऊद को बोला था कि 10 मिनट पे घर पे आ जाओ। कल से मैंने इनको टाइमिंग बताई हुई, लेकिन अभी टाइम देखें आप, 1:42, मतलब 42 मिनट्स ये लोग लेट है। मेरी वहाँ कमिटमेंट है कि मैं 2 बजे तक पहुँच जाऊँगा। तो जो ये वीडियो देख रहा है, एक वहाँ पे उनके आई थिंक ऑर्गेनाइजर है मुनीब, मुनीब भाई देख लें, मैं 1 बजे से रेडी था, मेरे दोस्त मुझे लेट कर रहे हैं। वो जैसे ही आते हैं उनसे पूछते हैं वो क्यों लेट है, और फिर चलते हैं अपनी इवेंट की जाने। 42 मिनट्स लेट होने की सज़ा पता है? वहाँ का गोला गंडा खाएंगे दो रोजी का। ये देखो यार, कॉल आई है वहाँ से, फाइनल स्टार्ट होने वाला है। ओ माय गॉड, चलो ना, अभी बैठेंगे नहीं? अबे यार कवर तो कर लेते थोड़ा सा यार, 15 मिनट में पहुँचा दूंगा, चलो 15 मिनट पहुँचा दोगे तो क्या? ग्रीन लाइन ट्रेन है भाई, नहीं आया यार हम लोग, देखो टाइम पे भी। कौन सा चश्मा पहन कर आ गया फार? ये ब्रांडिंग कर दी तुमने फैमिली में यार, ठीक हो यार ये चीज़ है फार यार। भाई तुम ऊपर पहन लो, गर्मी बहुत होती है। अभी हमें क्या करना है आपको बता? क्या करना है? 150 की स्पीड से हमें पहुंचना है कच्ची मेमन ग्राउंड। हाँ पहुंच जाएंगे फार पहुंचा देगा। लेट्स सी सो गाइस, CD70 पे 150 की स्पीड से हमारे बॉयज पहुंचा सकते थे, 13 मिनट में पहुंचा दिया। अब अंदर चलते हैं और देखते हैं ग्राउंड में ये जो इवेंट है इसके क्या सीन्स हैं। गाइज, हम लोग आए हुए थे माइलस्टोन क्रिकेट लीग सीजन 2 में, और हमारे साथ मौजूद हैं 2 भाई माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आप लोगों के? अच्छा, आप में से कोई एक ज़रा इस टूर्नामेंट के हवाले से बताए कि हर साल आप लोग मुनक्किद करते हैं, पिछली बार भी मुझे आई थिंक याद है 9 दिसंबर 2022 को आप लोगों ने करवाया था सीजन 1 की, उसकी कौन चैंपियन थी पहले ये बताए? उसकी भी याद है, टीम लायंस थी। अच्छा, लायंस थी, और आज फिर से लायंस और लेपर्ड्स फाइनल। अच्छा, फाइनल चल रहा है ये, तो आप क्या कहते हैं कौन सी टीम? मेरे हिसाब से लेपर्ड्स ज्यादा मुझे भारी लग रही है। अच्छा, मतलब लायंस इस बार डेंजर में, लायंस कर सकती है क्योंकि उनके बैट्समैन बहुत अच्छे लायंस। अच्छा, फर्स्ट इनिंग हो रही है अभी। अच्छा, जो ये लीग करवाते हैं इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव मेरा स्पेशली होता है कि पूरा साल ना बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ाई के ऊपर फोकस करते हैं, एग्जैक्टली एकेडमिक्स से बहुत ज्यादा फोकस होता है, थोड़ा सा हट के क्रिकेट के ऊपर भी आए, थोड़ा सा प्रेशर रिलीज हो इनके सर से, और मोटिव अच्छा है कि टीचर्स के साथ ना बच्चों की बॉन्डिंग अच्छी बन, मेन फोकस इस चीज़। बहुत अच्छा स्टेप है माशाल्लाह से। सो गाइस, अभी भाई जैसे बता रहे कि लियोपर्ड का पलरा भारी है,
लेकिन आप लोग पर्सनल क्या बोलते हैं कि आपकी कौन सी फेवरेट टीम है? हमारी टीम तो लायंस है। लायंस है, लायंस क्यों इतनी फेवरेट है? असल हमारे मैच के टीचर कोलीग्स सब उसी में। अच्छा ये जो टूर्नामेंट है इसमें कुछ मुझे बड़ी एज के भी लग रहे हैं, तो क्या सर वगैरह भी अलाउ है? दो दो तीन तीन टीचर्स हर टीम अलाउ है। अच्छा ये गुड हो गया। सब भाई चेक कर रहे हैं, सब भाई हमारे ये कैमरा मैन चल रहा है भाई, माशाल्लाह से मेहनत इन्होंने रखा हुआ है ऑफिशियल, फिर भी साउथ भाई है। ये असल में ना अपने कैमरा रवा कर रहे हैं। बाबू आप क्या कहते हैं इस लीग के बारे में? इधर आ जाए, बहुत खूबसूरत आ रहे हैं आप। अब बताया आप यार, लीग अच्छी लग रही है और अच्छी एक्टिविटी अच्छी है। हमारे स्कूल में क्यों नहीं होता था ये? हमारे स्कूल में क्यों नहीं होता था? मेरे स्कूल में आपका नहीं होता, मुझे मजाक कर रहा हूँ। आउट हो गया भाई, ये चेक करें, ये चेक करें आप। फाद भाई आप बताएं मछले से इस टूर्नामेंट के हवाले से। यार अच्छा इनिशिएटिव है, स्कूल्स में टूर्नामेंट होने चाहिए। न्यू टैलेंट सामने आता है, न्यू टैलेंट सामने आता है। स्कूल में खेला नहीं कभी मैंने। स्कूल में इनके से पढ़ने वाला स्कूल था, इनका इनका क्रिकेट वाला नहीं था। स्कूल खोला है ना उसके बारे में बता रहे, तो उसमें टूर्नामेंट। स्कूल में हेडमास्टर सऊद हम लगा लो, कैसा स्कूल है सऊद? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे आप? यार मैं फिजिक्स। ये हमारे सऊद भाई की फोटोग्राफी चेक करें आप। गुड वर्क यार, गुड वर्क। ये खड़ी कर दी भाई, नहीं भाई चार हो गया। मिस फील्ड का चौका और ये छक्का। मैच तो मैच बढ़ गया भाई। ये एक और चौका और ये एक और चौका। मिस फील्ड बहुत कर दी उन्होंने, इतनी तो हम लोग नहीं करते यार। साउथ इसी और मैच खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया, आठ रह गए। ओए होए 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 खत्म कर दिया भाई मैच। मेरी तरह खेल रहा है बिल्कुल। हैं वो वहाँ टीम पूरी रेडी खड़ी है भागने के लिए। चलें भाई, एंड का सीन है भाई, बिल्कुल विनिंग मोमेंट्स। हैं ये क्या किया? आए मैच आए, ये क्या था? आए सारे फील्डर्स जो हैं उन्होंने बन सकते हैं बॉलर अगर चाहे तो, लेकिन दो रन इम्पॉसिबल होता है टेप बॉल में। ये वो चेक करें, वो चेक करें, वो चेक करें, वो देखें आप। ये सेलिब्रेशन चेक करें आप बच्चों की। डिफेंडिंग चैंपियंस का मैच बढ़ गया, डिफेंडिंग चैंपियन को हरा दिया और नए चैंपियन बन गए माशाल्लाह। इनकी ट्रॉफी उठा के घर लेके चले जाते हम लोग, इससे पहले इनके हाथ में लगे। फैन मूवमेंट बहुत वेट ऐसे अच्छा बॉलर है, फास्ट बच्चा, बात को बोल मारा। तैयारियां स्टार्ट है, प्रेजेंटेशन एक माइक पे एक स्पीकर पे चला दो। आप इन चारों टीमों ने बहुत ही जबरदस्त गेम पेश किया है। सबसे पहले आप चारों के लिए बहुत भाई सुफियान मौजूद हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि यहाँ पे स्टेज पे तशरीफ लें। मिस्टर नबील अख्तर ऑफ टेक वर्ड्स, इनकी आईटी की कंपनी है और अपनी मसरूफियत की वजह से इस वक्त अमेरिका खेल रहे हैं, तो मैं नबील भाई के को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे अबू बकर को जो है मैं चाहूँगा कि यहाँ पे स्टेज पे आ जाए अबू बकर, और नबील भाई के लिए जो है वो अवार्ड रिसीव करें। एक मुझे भी मुझे भी
तालियां होनी चाहिए भाई सबके लिए। हमारे पैंथर्स टीम को इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में माइलस्टोन क्रिकेट लीग ने मेला सजाया था अपने उसाजा और तुलबा को बूस्ट देने के लिए और एक खेल की सरगर्मी को आगे बढ़ाने के लिए आज जो क्रिकेट का मेला सजाया था। तो इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है आज के मेहमान की खुशी एक वेल नॉन शख्सियत और एक वेल नॉन व्लॉगर और कोई व्लॉगर व्लॉग्स देखता हो इनको ना जानता हो, क्रिकेट का फैन हो इनको ना जानता हो, सरफराज का फैन हो इनको ना जानता हो, क्योंकि आप इनको सरफराज अहमद के साथ भी जो है गलियों में क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं। नहीं देखें जो इवेंट है और बाकी मैं बहुत मेहनत से बाहर और बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया स्कूली सिस्टम की तरफ से और ये होनी चाहिए ऐसी स्पोर्ट्स की ऐसी एक्टिविटी, क्योंकि देखिए पढ़ाई तो इंपॉर्टेंट है साथ साथ इसके भी इंसान को भी जानना चाहिए, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है और इंसान को हुनर हो और वो अर्ली एज में पता चल जाता बहुत अच्छा होता है। स्कूल के हवाले से ज़्यादा ये होता था पहले पिकनिक के लिए जाते थे, लेकिन अब ये जो टूर्नामेंट है और जिस तरह ऑर्गेनाइज हुआ है मुझे बहुत खुशी हुई और मैं इसे भी बोलूँगा कि इसको कंटिन्यू रखें ताकि पढ़ाई के साथ साथ जो बच्चा इंप्रूव हो रहा खेल में भी इंप्रूव, क्योंकि ये भी एक हेल्दी स्पोर्ट बोर्ड एक्टिविटी है। तो इसलिए बस ये कहना चाहूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ वालदेन को भी बोलना चाहूँगा कि बच्चे के अंदर अपनी सलाहियत ढूंढें, तो क्रिकेट नहीं स्पोर्ट में कुछ और हो गया फुटबॉल हो गया ये भी खिलाएँ ताकि बच्चा हेल्दी भी रहे और उसको फिर एक मोटिव भी मिले कि यार पढ़ाई के साथ साथ मेरा कुछ और भी काम। स्पेशल थैंक यू सलमान जुरानी जिन्होंने ये पूरा जो ऑर्गेनाइज किया इवेंट और बहुत अच्छी हेल्दी स्पोर्ट एक्टिविटी थी, साथ साथ नेवल टीवी का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगी जो पूरे टूर्नामेंट को उन्होंने कैप्चर किया
इंटरव्यूज से लेके जो जितने भी आपको सरमें दिखी इन्हीं की बदौलत है। ऑल द बेस्ट इनमें। सो गाइज मेरे साथ मौजूद है इस वक्त दो कैप्टन, जिसमें से एक कैप्टन डिफेंडिंग चैंपियन था और एक अब अभी अभी चैंपियन बने। तो सबसे पहले डिफेंडिंग से पूछते हैं कि भाई क्या क्या कहते हो, व्हाट्स वेंट रॉन्ग, ये जो तुम बोलते हो कि टाइटल उठाने में थोड़ी मुश्किल हो गई। टारगेट तो अच्छा हो गया था 6 ओवर्स के हिसाब से, थोड़े से 10-15 रन शॉर्ट थे मुझे लगा, लेकिन डिफेंड हो सकता था, लेकिन फील्डिंग में थोड़ी जो है वो कैचेस वगैरह ड्रॉप हो गए, बॉलिंग थोड़ी सी जो है वो एक आध ओवर थोड़े ज्यादा रन में निकल गए, इस वजह से जो है वो चलो हार्ड लग हो गई, खैर हो गई। तो मस्त नहीं मेरे साथ मौजूद है चैंपियन, क्या कहना चाहेंगे, रात में तो बड़ी आज मजेदार नींद आ रही है। बिल्कुल आनी है, और मेरा प्लान यही था कि मुझे पहले बॉलिंग करानी है, बट अच्छा। मेरे कुछ साथी जो है कह रहे थे कि पहले बैटिंग करनी है, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि टॉसियाँ मार गए, तो हमें पहली बॉलिंग ही मिल गई इतफाक से, और फिर मेरे बॉलर ने अब्दुल रहमान ने माशाल्लाह से, और फिर जवाद ने अब्दुल रहमान की तरफ यार कैमरा लेके जाएं, क्लैपिंग करें यार, ये बेस्ट बॉलर है ना, हां बेस्ट बॉलर थे, फाइनल का बड़ा तगड़ा राइटी बैट्समैन था, वो भी बड़ा अच्छा यार, वो कहां है, इसने दो जवाद के पास कॉल आ गई पीसीबी की तरफ से कि भाई आप पहुंच जाएं यहां पे। पहले भी हम तीनों ने सम अप होके एक जगह पर पिछले सेंटर में सक्सेस में जो है इंस्टीट्यूट में भी हमने वहां फाइनल जीता था माशाल्लाह, इस बार दिस इज सेकंड टाइम, और क्योंकि बीइंग अ टीचर मैं अब मेरा जो फाइनल है वो कैम्ब्रिज के एग्जाम है, उसमें भी इनको इंशाल्लाह जो है ना विनर बनाना है, तो उसमें इंशाल्लाह ये बने, और साथ में इन दोनों की बॉलिंग और इन दोनों की बैटिंग, खास तौर पर इसकी बैटिंग, उन्होंने बहुत साथ दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली वी आर हियर टू एज अ विनर। खैर ऑल द बेस्ट यार, थैंक यू, और लवली बहुत अच्छा लगा आपके साथ, खैर कोई मसला नहीं है, हमें भी आदत है जब ये डिसीजन नहीं पड़ते ही हम लोग हारे, तो हमारे आपकी बारी फीलिंग है, जब भी मुझे ज्यादा आपसे याद हो रही है, और एक बड़ी मजेदार चीज दिखाऊंगा आपको, ये मैंने बहुत कम देखते हो, उन्होंने ट्रॉफी तोड़ दी, ये कौन सी खुशी है भाई, तुम लोगों ने क्या करा यार, ये बात ही अब्दुल रहमान अपनी नहीं तोड़ी होगी, मैंने टॉलर की तुमने मेन ट्रॉफी तोड़ दी, क्या वजह थी, कितना गुस्सा गुस्सा नहीं, वो जज्बात होते ना, तो उसमें जो जीत तोड़ दिया भाई, अब यार तो वीडियो भी बन गया, तो गाइस ये था हमारा ब्लॉग आज का, माइलस्टोन क्रिकेट लीग सीजन 2 की जो चैंपियन थी लियोपर्ड थी, और जो डिफेंडिंग चैंपियन वो लॉस्ट कर गए हैं फाइनल, खैर है कोई मसला नहीं है, रनर अप है, उनका नाम है लॉयंस। ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।